टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। वहीं अक्सर वो सोशल मीडिया पर अपने स्टाइल और लुक की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। लेकिन अब अवनीत कौर बड़ी मुश्किल में फंस गई हैं। एक ज्वेलरी ब्रांड ने उन पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। रंग नाम के ज्वेलरी ब्रांड का आरोप है कि अवनीत कौर ने बार बार वादा करने के बाद भी उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट में क्रेडिट नहीं दिया, जो कि उनके कॉन्ट्रैक्ट का अहम हिस्सा था। ब्रांड का आरोप है कि अवनीत कौर ने उनसे ज्वेलरी लेकर पहनी, पर बार बार क्रेडिट को नजरअंदाज करती रही। कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का उल्लंघन करने के कारण अवनीत कौर कानूनी मुश्किल में फंस गई हैं। ज्वेलरी ब्रांड ने अवनीत कौर द्वारा की गई धोखाधड़ी को लेकर इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। ब्रांड ने बताया कि अवनीत को उसकी ज्वेलरी पहनकर पोस्ट देते हुए इंस्टाग्राम पर उसे टैग करना था, पर एक्ट्रेस ने ऐसा नहीं किया। ब्रांड ने अवनीत कौर के साथ हुई बातचीत के व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट को शेयर किया है। चलिए बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। ज्वेलरी ब्रांड रंग ने बताया कि अवनीत कौर ने यूरोपियन ट्रिप के दौरान उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। वेकेशन के दौरान ब्रांड ने अवनीत कौर को काफी ज्वेलरी दी थी। अवनीत ने ब्रांड से कहा था कि वो फोटोज पोस्ट करते वक्त उन्हें पोस्ट में क्रेडिट देंगी, लेकिन अवनीत अपनी बात से मुकर गई और ब्रांड को कोई क्रेडिट दिए बिना सोशल मीडिया पर उसकी ज्वेलरी पहनकर पोस्ट करती रही। ज्वेलरी ब्रांड ने पोस्ट करते हुए ये भी बताया कि अवनीत कौर ने कैसे दूसरे लग्जरी ब्रांड के कपड़ों के साथ उनकी ज्वेलरी मैच करके पहनी, लेकिन उन्हें सिर्फ हाई एंड ब्रांड को ही टैग किया गया। जब अवनीत के स्टाइलिस्ट ने उन्हें ये याद दिलाया कि उन्हें ज्वेलरी के लिए ब्रांड को टैग करना है, तो वह दूसरी पोस्ट में उन्हें क्रेडिट देने के लिए राजी हो गई। लेकिन जब अगली बार पोस्ट किया तो भी उसमें ज्वेलरी ब्रांड को क्रेडिट नहीं दिया। सवाल पूछे जाने पर अवनीत कौर ने कहा कि वो ज्वेलरी के लिए उन्हें पेमेंट कर देंगी। अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे पर अवनीत कौर का क्या रिएक्शन सामने आता है। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।